सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान बीते 20 दिसंबर को मेरठ में जबरदस्त हिंसा हुई थी। भीड़ इस कदर पागल हो गई थी कि कुछ भी करने पर आमादा थी। इसी हिंसा के दौरान लिसाड़ी गेट के पास उन्मादियों की भीड़ ने 30 से 35 पुलिस वालों को एक मकान में बंद कर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। मेरठ पुलिस ने अब इस पूरे मामले का वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक मकान के शटर के अंदर से पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान निकल रहे हैं। इसी शटर के अंदर इन सभी पुलिस कर्मियों को बंद कर आग लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन समय रहते एसएसपी अजय साहनी मौके पर पहुंचे और सभी बंद सुरक्षा कर्मियों को बाहर निकाला। इलाज भाई सारा जी यो दरअसल 20 दिसंबर को लिसाड़ी गेट पर भीड़ ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन किया था। पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो पथराव किया गया। पुलिस ने भीड़ को बलपूर्वक तितर बितर किया। इसी बीच 30 सुरक्षा कर्मी एक दुकान पर बैठे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों को दुकान के भीतर बंद कर दिया और वहां आग लगाने की कोशिश की। इसकी सूचना मिलते ही एसएसपी अजय साहनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई। फायरिंग में आरएएफ के 2 सुरक्षा कर्मी घायल हुए। किसान की घटना है, ये इस्लामाबाद चौकी क्षेत्र लिसाड़ी गेट में पड़ता है, उसी के पास की घटना है, जिसमें तमाम पुलिस वाले थे। भीड़ काफ़ी संख्या में थी, हजारों की संख्या में भीड़ आई और अचानक से हिंसक हो गई पीछे से आकर, और एस्केप करते हुए इन लोगों ने और पुलिस बल की मांग किया, जिससे उनसे बखूबी निपटा जा सके। इसी में भीड़ और ज़्यादा उग्र होते हुए पथराव फायरिंग करते हुए इन लोगों को घेर लिया और एक मकान में इनको बंद करके आग लगाने की कोशिश करी। फिर इसके बाद पुलिस बल वहां पहुंचा है और इन लोगों को किसी तरीके से वहां से निकालने में वो सफल हो सके हैं। कितने इसके अलावा उसमें आप देखे होंगे वीडियोज में, आपको लगा होगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे डैमेज किया जा रहा है, बिल्कुल तहस नहस करने की मुद्रा इनकी भीड़ कितनी ज़्यादा हिंसक है, दोनों वीडियो से स्पष्ट हो रहा है। सर कितने पुलिस वाले थे जिनको इन्होंने आग लगाने की प्रयास किया? वो लगभग 30-35 पुलिसकर्मी थे और जिनके साथ इस तरह की घटना कारित करने की कोशिश की गई। क्या इसको मुकदमे में जोड़ा जा रहा है? हाँ बिल्कुल 100% मुकदमे में जुड़ेगा। मेरठ में हिंसा के मामले में 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 148 लोग नामजद और 500 अज्ञात शामिल हैं। पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की शिनाख्त की है, जिनके शहर भर में पोस्टर चस्पा हैं। मेरठ में हिंसा के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही कई लोग घायल भी हो गए थे। घायलों में सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। पुलिस इन सभी की पहचान कर इनके गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।